नमस्ते बच्चों, कैसे आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। ओके, देखो बेटा, अब हमने क्लास इलेवेंथ जो है उसमें मैथ का चैप्टर फर्स्ट, ठीक है, सेट स्टार्ट कर लिया था, ठीक है ना। ओके, उसमें हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया था, सेट्स क्या होते हैं, ठीक है, उसके रोस्टर फॉर्म और सर्वलेटर फॉर्म देख लिया था, और फिर हमने एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज सॉल्व कर ली थी 1.1। तो इतना अपन ने फिनिश कर लिया है। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के बेसिस के कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। देखो बच्चा, मैं अगर चाहूँ ना तो सारे इकट्ठे में समझा दूँ आपको, फिर आपको एक्सरसाइजेस करवाऊँ, तो इसमें क्या होगा ना कि आप कुछ कॉन्सेप्ट भूल जाओगे, कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो लगा लोगे, तो आपका चैप्टर में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो मेरा मानना वह है कि धीरे 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 आगे बढ़ते हैं, ठीक है, छोटे 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 स्टेप्स लेंगे। तो पहले हमने दो तीन कॉन्सेप्ट क्लियर किए, फिर 1.1 खत्म किया, अब हम लोग दो तीन और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और फिर 1.2 खत्म करेंगे। तो यहाँ पे छोटे स्टेप्स लेते 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 हम लोग पूरी मंजिल जो है वो पार कर लेंगे। तो इसके लिए घबराना मत, क्योंकि ये चैप्टर बहुत आसान है। ओके, हाँ, इलेवंथ जो रहता है साइंस स्ट्रीम, वो आपके टेंथ के ग्रेड के हिसाब से काफ़ी चेंजेस आते हैं, बट हम करते जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है। वेल, तो मैं हूं आपके एडुकेटर सपना आडवाणी और आप देख रहे हैं आप ही का चैनल सपना की पाठशाला। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का सेशन। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। तो सबसे पहला जो सेट है दैट इज द एम्प्टी सेट, ठीक है। आप इसको एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं, नल सेट भी कह सकते हैं, वॉइड सेट भी कह सकते हैं। ये सिनोनियम्स है, ध्यान दीजिएगा। सपोज एग्जाम में आपको आता है राइट द वॉइड सेट ऑफ द गिवन सेट्स, ठीक है, तो अब आपको वॉइड पता ही नहीं है कि क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको नल सेट, एम्प्टी सेट, मतलब खाली, एम्प्टी आप खुद समझ गए ना वर्ड, खाली, ठीक है, वो सेट जिसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है, कुछ है ही नहीं। आपके बर्थडे पे आपके बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होते होंगे, ठीक है, आपको एक अच्छा सा गिफ्ट देंगे, आप खोलोगे तो उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, फाइन, तो दैट इज़ अ नल सेट। आपकी मम्मी ने कहा कि बेटा पिज़्ज़ा रखा हुआ है मेरे अंदर, खा लेना, बाकी मम्मी को पता नहीं है कि आपकी दीदी पहले गई वहाँ पर, ठीक है, आपकी छोटी बहन, बड़ी बहन, जो भी आप ले लीजिए, आपकी दीदी गई वहाँ पर और उन्होंने पूरा खाली कर दिया, सिर्फ डब्बा ही खाली, सिर्फ डब्बा ही है। तो आप जैसे डब्बा खोल रहे हैं, ठीक है, बॉक्स खोल रहे हैं, तो आपको मिल रहा है कि पिज़्ज़ा तो है ही नहीं, ठीक है। मम्मी को बोला, मम्मी पिज़्ज़ा कहाँ गया? अरे तेरी बहन खा गई। इसका मतलब कि बॉक्स तो था, अंदर पिज़्ज़ा नहीं था, दैट इज़ द एम्प्टी सेट, ठीक है, क्लियर हो गया। तो एम्प्टी सेट, नल सेट या तो वॉइड सेट। चलिए अब हम देखते हैं कि एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है इसका। सो क्या कह रहा है, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, ठीक है, वो सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, ना कोई एलिमेंट है, ना कोई मेंबर है, ठीक है। एक हवेली है, बहुत पुरानी, अपन जाते हैं ना राजस्थान वगैरह कहीं पर, पुरानी पुरानी हवेलियाँ दिखाई जाती है, ठीक है, कहते थे यहाँ पे रानियाँ बैठती थी, यहाँ पे राजा अपनी सभा में बैठते थे। इसका मतलब ये है कि पूरी हवेली है बट उसके अंदर भी कोई लोग नहीं रहते हैं, ठीक है। ताजमहल भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो बायकात उस टाइम वहाँ पे रहते थे, अब नहीं रहते हैं, तो खाली जगह हो गई। तो जहाँ पे खाली जगह है, जहाँ पे कोई भी उसका मेंबर नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है उसके अंदर, उसको हम लोग कहेंगे एम्प्टी सेट, नल सेट या तो वॉइड सेट। क्लियर हो गया बेटा? चलो अब इसको हम डिनोट कैसे करते हैं। सो द एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय द फाई, इसको हम क्या कहते हैं, फाई, पी एच आई, ठीक है, ये ग्रीक अल्फ़ाबेट है। फाइ लिखो या तो फिर खाली कर्ली ब्रैकेट बना दो, अंदर कोई मेंबर नहीं है, इसका मतलब कि वो एम्प्टी है। ओके, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाए। जैसे कि आपको एक सेट दिया हुआ ए, अब कहा गया कि ए में एक्स मेंबर्स हैं सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन वन। हल्ला, ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन वन। अब हमें पता है कि नेचुरल नंबर जो होता है बेटा, वो तो स्टार्टिंग वन से होता है, 1, 2, 3, 4 एंड इन्फिनिटी, पता है ना ये अपने को। अब ये बंदा क्या बोल रहा है भाई, तुम एक्स के आप वो एक्स मेंबर्स वो होंगे, ठीक है, जो नेचुरल नंबर होंगे, ठीक है, बट नेचुरल नंबर वन से कम कहाँ से पॉसिबल है, वन से कम तो पॉसिबल ही नहीं है, स्टार्टिंग तो वन से हो रहा है, इसका मतलब कि हम उसके अंदर कोई भी मेंबर्स नहीं लिख सकते हैं, तो वो हो गया हमारा नल सेट, ठीक है, या तो आप खाली बॉक्स बना दीजिए, योर विश। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, बी एक्स इज अ मेंबर सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, ठीक है, चलो इवन समझ में आ गया, प्राइम नंबर वो भी क्लियर है, ग्रेटर देन 2। देखो अभी प्राइम नंबर जो होते हैं वो स्टार्ट कहाँ से होंगे, प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब आपको इसके अंदर 2 के अलावा कोई और इवन नंबर नजर आ रहा है,
प्राइम नंबर्स तो इवन होते ही नहीं है ना, ठीक है, तो वो कहाँ से इवन होगा, एक टू रहता है, ठीक है, वो तो अपने को पता ही है। और ये बंदा कह रहा है कि भाई आपको टू से ज़्यादा लेना है, टू से ज़्यादा में जाओ तो सारे के सारे कैसे हो जा रहे हैं, ऑड नंबर जैसे हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे हम लोग कोई सेट रख ही नहीं पाएंगे, आई मीन कोई मेंबर नहीं रख पाएंगे, तो ये भी हो गया नल सेट, एम्प्टी सेट। सी एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉमन पॉइंट टू एनी टू पैरेलल लाइंस। देखो है ना, गांडा बना रहे ना अपने को, ठीक है। अब देखो पैरेलल लाइंस, अपने को पता है कि पैरेलल लाइंस तो रेल की वो पटरी की तरह होते हैं, सीधा सीधा सीधा, ठीक है। कहाँ पे मीट करेंगे, पैरेलल लाइंस तो होती ऐसे को जो मीट ना करे, दैट्स व्हाई दे आर द पैरेलल लाइंस। अब ये कह रहे हैं आपका कॉमन पॉइंट बताओ, आ सकता है कॉमन पॉइंट, ठीक है, पता भी है इनको, फिर भी अपने को परेशान कर रहे हैं। तो ये हो गया नल सेट या एम्प्टी सेट, ठीक है, जो भी। तो इसका मतलब कि ऐसे कुछ सेट्स होते हैं जिनका आंसर पॉसिबल होता ही नहीं है, हम उसके अंदर कोई भी मेंबर्स नहीं लिख सकते हैं, तो उनको हम लोग कहेंगे एम्प्टी सेट्स। क्लियर, समझ आ गया, ठीक है। मैं अभी साइड हो जाती हूँ, अच्छे से नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करना है, पेन ठीक है निकाल के रखिए, नोटबुक निकालिए, हर एक चीज़ नोट डाउन कीजिए, मेरे साथ लिखते रहिए तो दिमाग में बैठेगा, सुनते सुनते हम पिक्चर तो ही देख रहे कि सुनेंगे, ठीक है। तो अच्छे से लिखिए, मैं साइड हो जाती हूँ, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट सेट की तरफ। नेक्स्ट कैटेगरी जो है सेट्स की बेटा वो है फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अब देखो वर्ड्स देखकर आपको आइडिया आ गया, ठीक है ना। फाइनाइट मतलब कि लिमिटेड एडिशंस, ठीक है, इसका मतलब कि जहां पर आपके पास काउंटिंग हो पाए, जहां पे आपके पास कुछ लिमिट में चीजें दी हुई हो, ठीक है, लिमिटेड या काउंटेबल, तो उसको हम लोग कहेंगे, उसको हम कहेंगे फाइनाइट सेट्स, ठीक है। तो अ सेट विच इज एम्प्टी, या तो कुछ होना ही नहीं चाहिए उसके अंदर, फिर भी फाइनाइट है कि पता है कुछ भी नहीं है, वी आर फिक्स्ड, ठीक है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ तो एम्प्टी सेट होना चाहिए, या तो फिर द मेंबर्स कंसिस्ट ऑफ द डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, डेफिनेट नंबर, फिक्स नंबर ऑफ मेंबर्स उसके अंदर होने चाहिए। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि सेट ए है तो उसके अंदर 1 2 3 4, दैट्स इट, आगे कुछ भी नहीं है, डॉट 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 नहीं है, मतलब कि इसके अंदर सिर्फ चार ही एलिमेंट्स हैं, तो फिक्स है, ठीक है, हम काउंट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट आप देखिए x सच दैट x इज वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब पता है ना, ठीक है, कि वोवेल्स कौन से होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, a e i o u, पांच होते हैं, तो फिक्स है कि पांच एलिमेंट्स ही हैं, उसके आगे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया फिक्स, काउंटेबल, काउंट कर सकते हैं अपन। ये देखिए x सच दैट x इज डेज ऑफ द वीक, अब वीक के डेज कौन से होते हैं, मंडे ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, ठीक है, फिक्स है ये 7 डेज, कुछ आगे पीछे होने नहीं वाला। तो यहाँ पर जहाँ पे आप एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हो, ठीक है, काउंटेबल है, लिमिटेड है, फाइनाइट हम उनको कहते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है, जहाँ पे आपको डॉट 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 नजर नहीं आएगा और आंसर सबका सेम होने वाला है, क्योंकि ये चीज़ें किसी से पूछोगे यू विल गेट द सेम आंसर एंड सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑल्सो, डन। चलिए अब हम आते हैं इनफाइनाइट सेट। अब आपको समझ, इनफाइनाइट, ठीक है, अनकाउंटेबल, अनलिमिटेड, बोलते हैं ना अनलिमिटेड पिज्जा, ठीक है, अनलिमिटेड होता है, अनकाउंटेबल होता है, अनलिमिटेड थाली, ऐसे बहुत सारे हैं ना ऑफर्स आते रहते हैं, ठीक है। चलिए तो इनफाइनाइट सेट में क्या है, अ सेट इज सेट टू बी इनफाइनाइट If it has unlimited or uncountable number of elements, ठीक है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, चलता ही जा रहा है, ठीक है, आप नहीं काउंट कर सकते हो। तो जैसे कि आप दिया हुआ एग्जाम्पल आप देखिए, ए सेट में x members such that x is a square of natural numbers, ठीक है, अब x जो है वो square of natural numbers, 1 का square, 1, 2 का square, 4, 9, 16, ठीक है, 25, डॉट 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 चलता जाएगा, रुकने नहीं वाला, बिकॉज दे हैड सेट नेचुरल नंबर्स, इन्होंने ये नहीं बोला कि कहाँ तक देखना है, तो दैट इज इनफाइनाइट सेट्स। नेक्स्ट बी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, ठीक है, नेचुरल नंबर्स एंड एक्स इज ऑड, ओके, इसका मतलब कि नेचुरल नंबर तो है पर सारे ऑड है, मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन चलते जाएंगे, रुकने नहीं वाला, ठीक है, ये गाड़ी नहीं रुक सकती है कहीं पर भी, इसका कोई स्टेशन नहीं है, ओके। नाउ सी, ओके, एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, ओके, ग्रेटर देन 100 से स्टार्ट करें तो 101, 102, 103 एंड अगेन गोज ऑन,
ठीक है, चलते जा रहे, पॉजिटिव लेने हैं, 100 से ग्रेटर है वो बोला है, बट कहाँ तक लेना है वो नहीं बोला है, तो दैट मीन्स अगेन इट इज अनकाउंटेबल अनलिमिटेड नंबर्स। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, आसान है ना? ठीक है, मैंने कहा था बहुत आसान है। ठीक है, तो ये दो अपन ने देख लिए, फाइनाइट और इनफाइनाइट। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नौ बच्चा हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो फोर्थ नंबर है इक्वल सेट्स की और फिफ्थ नंबर है इक्विवेलेंट सेट्स की। अब इन दोनों में जो फर्क है ना, ये इस पतली लाइन जितना ही है। ठीक है, इसका मतलब कि इन दोनों में बहुत बहुत कम डिफरेंस है। ठीक है, बस एक ही लाइन जितना इसमें डिफरेंस आता है। बहुत बहुत दोनों सेम तरीके के माने जाते हैं। ठीक है, इसके लिए बच्चे इसमें काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके लिए जो मैं कह रही हूँ ना, सुनना ध्यान से, क्योंकि बहुत बारीकी का इनके अंदर आपको डिफरेंस नज़र आएगा। तो ये पहले समझ लेते हैं कि इक्वल सेट्स क्या होते हैं। देखो, इक्वल सेट्स मतलब कि द सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी आइडेंटिकल और इक्वल। ठीक है, दो सेट्स ए और बी हैं और वो कैसे हैं? आइडेंटिकल, बिल्कुल एक समान है या इक्वल है, तो उनको हम कहेंगे इक्वल सेट्स। अगर सेट्स इक्वल है तो हम उनको ऐसे सिंबलाइज कर लेंगे, ए इक्वल्स टू बी। ठीक है, एग्जैक्टली सेम याद करना। अगर सेट्स ए और बी इक्वल नहीं है तो हम उनको इस तरीके से लिखेंगे, नॉट इक्वल करके। ये तो पता ही है, नॉर्मल सी बात है। अब एग्जांपल देख लेते हैं। देखियो, ए जो है उसके अंदर ए बी सी डी मेंबर्स हैं और बी सेट के अंदर भी ए बी सी डी मेंबर्स हैं। देखो, शक्ल चारों की शक्ल सेम होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल शक्ल सेम होनी चाहिए। तो सबकी शक्ल सेम है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे ए इक्वल्स टू बी। ठीक है, ये सेम मेंबर्स हो गए। यहाँ पे देख लीजिए, सी का क्या बोल रहा है? द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन सिक्स। लेस देन सिक्स मतलब क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? इसके मेंबर्स क्या लिखेंगे? लेस देन सिक्स के प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स सारे टू से, टू थ्री और फाइव। ठीक है, ये उसके मेंबर्स बन गए। डी में देखिए क्या है, सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, 30 के फैक्टर्स। अब देखो, 30 के फैक्टर्स मैं यही लिख देती हूँ ऊपर ही। ठीक है, 30 के फैक्टर्स भी क्या होंगे? देखो, 30 को 2 डिवाइड करेगा, 2 इज अ प्राइम नंबर। 3 डिवाइड करेगा, प्राइम नंबर। ठीक है, 4 तो करेगा ही नहीं, 5 डिवाइड करेगा, प्राइम नंबर। ठीक है, 6 करेगा, पर 6 इवन हो गया, प्राइम नहीं है। ठीक है, 30 खुद में ही, ओके। तो इसका मतलब कि ये वाले मेंबर्स। अब देखो, तीनों जो एलिमेंट्स हैं शक्ल सेम है ना। ठीक है, ये शक्ल सेम है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, तो हम कहेंगे कि सेट सी और डी क्या हो गए? इक्वल हो गए। डन, बिंगो। आइए एक और देख लेते हैं हम लोग एग्जांपल। एक्स एक सेट है जिसके अंदर मेंबर्स है 1 2 3। ठीक है, वाई एक सेट है जिसका मेंबर्स है 2 2 1 3 3। अब देखिए शक्ल, देखिए एक्स का 1 उसमें दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। एक्स का 2 दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। एक्स का 3 दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। रिपीटेशन से अपने कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, दिखाई दे रहे हैं मतलब कि एक्स और वाई इक्वल सेट्स हो गए। बिंगो, समझ आया बेटा अच्छे से ना? चलो अब बात करते हैं हम इक्विवेलेंट सेट्स की। अब इक्विवेलेंट सेट्स में पहले तो क्लियर कर लो कि फाइनाइट सेट्स ही आएंगे, हालांकि उसमें फाइनाइट ही आते हैं ज़्यादातर। ठीक है, वो ठीक है। तो इक्विवेलेंट सेट्स में पहले दिमाग में बिठा दो कि आपके पास फाइनाइट सेट्स आने वाले हैं। अब इन फाइनाइट सेट्स में जो मेंबर्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, दे आर इक्वल इन नंबर्स। ठीक है, दे आर इक्वल इन नंबर्स। जैसे कि मैं ये कह दूं कि मेरी फैमिली में हम 4 लोग हैं, मैं, मेरा भाई, ठीक है, मेरी मम्मी, मेरे पापा। क्लियर हो गया, हम 4 लोग हैं। ओके, अब अगर मेरी फ्रेंड है उसकी फैमिली में पूछूं तो वो बोलेगी मेरी फैमिली में 4 लोग हैं, मम्मी पापा मैं और मेरी बहन। ठीक है, अब क्या हो गया? पहली बात तो उसकी फैमिली की जो पिक्चर आएगी, ठीक है, 4 लोग या मेरी फैमिली की पिक्चर, शक्ल सेम होगी? नहीं होगी ना। ठीक है, ट्विंस तो नहीं हम लोग, ठीक है, शक्ल सेम नहीं होने वाली है, भले हमारे मेंबर सेम है। ठीक है, 4 मेंबर्स उसकी फैमिली में, 4 मेंबर्स मेरी फैमिली में है, तो हम दोनों सेट्स कैसे कहलाएंगे? इक्विवेलेंट सेट्स। दैट मीन्स द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली, ओके, आर सेम। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, तो इतना ही है, हमें इनकी शक्ल पे नहीं जाना, शक्ल सेम नहीं होगी अपन को, हमें इनके नंबर्स में जाना है। ठीक है, नंबर्स ऑफ द मेंबर्स सेम होने चाहिए। सो द इक्विवेलेंट सेट्स, इफ द नंबर ऑफ द मेंबर्स और द एलिमेंट्स आर इक्वल, इसको हम रिटर्न लिखते हैं लाइक दैट। या तो ये सिंबल आप लगा सकते हो, ठीक है, पतला सा यू एस वाला, और या तो फिर इक्विवेलेंट का दोनों तरफ एरो, ठीक है, बी टू ए एंड ए टू बी। तो हम रीड करेंगे, ए इज इक्विवेलेंट टू बी, ए इज इक्विवेलेंट टू बी।
एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए जैसे सेट ए है तो उसके अंदर मेंबर्स जो है वो ए बी सी, और सेट बी में मेंबर्स जो है वो 9, 18, 27। देखिए मेंबर नंबर 1, मेंबर 2, मेंबर 3, कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं, 3 मेंबर्स हैं। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं? 1, 2 एंड 3। ठीक है, शक्ल अलग अलग है, शक्ल अलग है बट नंबर ऑफ मेंबर्स सेम है, तो हम कहेंगे ए इज इक्विवेलेंट टू बी। क्लियर हुआ बेटा? चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं एक्स का क्या है, लेटर ऑफ फॉलो। ओके पहले इसके बना देते अपन मेंबर्स, एफ आएगा, ओ आएगा, एल आएगा, डब्ल्यू आएगा। ठीक है, वाई क्या है, लेटर ऑफ फ्लो। ओके तो एफ आएगा, एल आएगा, ओ आएगा, डब्ल्यू आएगा, ओ ओ। देखो यहाँ पे मेंबर्स सेम है, 1, 2, 3, आई मीन नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, नंबर ऑफ मेंबर्स सेम है, तो हम कहेंगे दैट एक्स इज इक्विवेलेंट टू वाई। आप बोलोगे मैम देखो ध्यान से देखो इसके अंदर ना मेंबर्स भी शक्ल सेम है। हाँ देखो F दोनों में है, O दोनों में है, L दोनों में है, W दोनों में है, इसका मतलब कि ये जो सेट है वो इक्वल भी है और इक्विवेलेंट भी है। तो यहाँ से एक पॉइंट समझ आई, इसका मतलब ये है कि एक सेट इक्वल और इक्विवेलेंट दोनों हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर अगर कोई सेट इक्वल है तो उसको हम इक्विवेलेंट बोलेंगे, बट किंतु परंतु अगर कोई सेट इक्विवेलेंट है तो कंडीशन नहीं है कि वो इक्वल भी होगा। पकड़ में आई मेरी बात? मैं दोबारा बोल रही हूँ, बहुत सुनो ध्यान से, ठीक है, बहुत सुनो क्या बोल रही हूँ मैं, सुनो अच्छे से, अभी क्या बहुत सुनो, ठीक है, सुनो अच्छे से मेरे को। तो मैं क्या बोल रही हूँ, इक्वल सेट्स को हम लोग इक्विवेलेंट सेट्स बोल सकते हैं क्योंकि उनके अंदर मेंबर्स नंबर ऑफ एलिमेंट सेम जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये वाले सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स की कैटेगरी में आ सकते हैं, आएंगे ही, बट ठीक है जो इक्विवेलेंट सेट्स के मेंबर्स हैं, ठीक है, वो इक्वल नहीं है। नंबर ऑफ द मेंबर्स आर सेम बट शक्ल इज नॉट सेम, ठीक है, सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट इक्वल। तो इक्वल सेट्स आर वो कैसे बोल देती हूँ मैं, ठीक है, सो इक्वल सेट्स आर सेट टू बी इक्विवेलेंट ऑल्सो, बट इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट सेट टू बी द इक्वल सेट्स, ठीक है, ये इक्वल नहीं कहलाएंगे। क्लियर? दिमाग में ऐसे पूरा यूं घुस गया पूरा बात मेरा, घुस जाना चाहिए। ओके नाउ एक और देख लेते हैं, पी यहाँ पे दिया हुआ है 1, 2, 3, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 2, 2, 1, 3, 3। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पी में कितने मेंबर्स हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और क्यू में कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, तो इसके अंदर 5 मेंबर्स हैं, इसके अंदर 3 मेंबर्स हैं, वो इक्विवेलेंट ना, ठीक है, तो P is not equivalent to Q, ठीक है, P is not equivalent to Q, नहीं है। क्लियर हुआ? वो इक्वल होंगे, देखो देखो मैंने ये वाला एग्जांपल उठाया, पता नहीं चला आपको, ठीक है, थोड़ा बहुत चीटिंग मैं भी कर लेती हूँ, ये वाला एग्जांपल उठाया, तो अगर ऐसा कुछ आता है तो हाँ हम कह सकते हैं कि इक्वल सेट्स आर नॉट टू बी इक्विवेलेंट, ठीक है, ये एक्सेप्शन केस में आ जाता है। सो भाइयों बंधुओं समझ आ गया, इक्वल एंड इक्विवेलेंट, ठीक है, बहुत हल्का सा डिफरेंस था दोनों के अंदर। नहीं समझ आया हो तो दोबारा पूछ लेना, ठीक है, या तो वीडियो रिवाइंड करके एक बार देख लेना, फिर भी समझ नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं बताऊंगी, बाकी एमए जाने मत देना, ठीक है, कुछ तो होगा, ठीक है, सीधा बात ना यूं घुसनी चाहिए, यूं नहीं जानी चाहिए, पहले बता दूं मैं, फाइन। सो मैं साइड बोर्ड जा रही हूँ, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है, 3 एग्जाम्पल्स हैं 6, 7, 8 एक्सरसाइज 1.2 के पहले, तो पहले वो कवर कर लेते हैं फिर हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है, कौन सा सेट फाइनाइट है, कौन सा सेट इनफाइनाइट है, आपको मीनिंग पता चल गई ना, फाइनाइट मतलब क्या होगा, फिक्स नंबर, ठीक, काउंटेबल, और इनफाइनाइट मतलब चलता ही जा रहा है, ठीक है, जैसे कोई डेस्टिनेशन नहीं है डॉट 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 डॉट, तो उसको हम कहेंगे इनफाइनाइट। चलो आइए हम देखते हैं क्या है, पहला क्या दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, मतलब एक्स नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, एंड अब वो नेचुरल नंबर कौन से होंगे उसके लिए अपने को कुछ एक क्लू दिया हुआ है कि एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। तो ये कंडीशन को अगर मैं बाहर निकालूं तो एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो कह रहा है, मतलब कि दोनों ब्रैकेट्स को जीरो के साथ इक्वेट कर दूं
ओके तो ये क्या हो जाएगा, ये वन वहां चला जाएगा तो माइनस का प्लस, ओके और ये टू वहां चला जाएगा तो माइनस का प्लस. तो एक्स से कौन से मेंबर्स आ गए, वन और टू. और इसने कहा भी है कि भाई नेचुरल नंबर होने चाहिए, तो वन और टू दोनों नेचुरल है. तो इसका मतलब कि ये सेट के मेंबर्स क्या हो जाएंगे, वन कॉमा टू, फिक्स. ठीक है, और कुछ नहीं होने वाले. तो ये कैसा सेट हो गया, ये हो गया फाइनाइट सेट. ठीक है ना बच्चा, समझ आया ना. ओके नेक्स्ट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू फोर. देखो बच्चा सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू फोर, इसका मतलब कि एक्स इज फोर स्क्वायर ऑफ द फोर, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ द फोर. स्क्वायर को वहां लेके जाएंगे तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है ना. ठीक है, तो अब ये स्क्वायर रूट दो हो सकते हैं, प्लस माइनस टू. ठीक है, यहाँ टू होगा या माइनस टू होगा, पर इन्होंने हमें क्लियर बोला है कि अपने को कौन सा लेना है, नेचुरल नंबर लेना है. मतलब कि x हमें प्लस टू लेना है, माइनस टू नहीं लेना है. ओके तो इसमें एक ही मेंबर है सिर्फ, तो ये भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट. जनरली पीछे का कोई कंडीशन और क्लू होता है तो फाइनाइट सेट में ही आ जाता है. ओके नाउ x such that x belongs to n, ये भी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, एंड 2x minus 1 equals to 0. ठीक है, क्या है 2x minus 1 equals to 0, मतलब कि मुझे x बताना है ना क्या होगा, x के वैल्यू क्या होगी. तो क्या करूं मैं, पहले 1 को वहां पे शिफ्ट कर दूं, तो 2x minus 1 का वहां गया तो प्लस 1, फिर 2 नीचे ले लूं तो 1 upon 2, तो x की वैल्यू आ गई 1 upon 2. बट देखो बेटा इन्होंने क्या बोला है कि x क्या है, n नेचुरल नंबर, हमारा ये आया है रैशनल नंबर, नहीं हो सकता ना. ठीक है, इसका मतलब कि इसमें ये सेट आ ही नहीं सकता है, तो ये हो गया हमारा एम्प्टी सेट. और मैंने डेफिनेशन के दौरान लिखा था एम्प्टी सेट इज ऑल्सो अ फाइनाइट सेट. ठीक है बच्चा, चलो नाउ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एन, ओके एंड एक्स इज अ प्राइम. अब प्राइम नंबर तो कौन से होंगे बेटा, 2, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 चलता ही जाएगा, कहीं पे इन्होंने कंडीशन रखी नहीं है कि यहां तक लेना है. तो इसके लिए ये हो गया इनफाइनाइट सेट. क्या हो गया बच्चा, इनफाइनाइट सेट. ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाए. x says that x belongs to n and x is odd. ठीक है, तो x odd नंबर है, मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11. ए मैंने यहाँ पे 9 प्राइम क्यों लिखा, सॉरी हाँ सॉरी. ठीक है, 9, 11, 13 डॉट 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 डॉट. ठीक है, तो इसका मतलब कि ये भी चलता ही जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट. ठीक है, क्लियर हो गया बेटा, इजी है ना. मैंने कहा था यार इजी है, मक्खन के ना निकल जाएगा. फालतू पर टेंशन लेते रहते हो, मैथ 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 पता नहीं क्यों डरते हो. इजी है, ठीक है, लिख दोगे इतना. चलो लिख दो, फिर हम क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 को कर लेते हैं. नोट इट डाउन, हरी अप बेटा. एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहे, एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स. ठीक है, अपने को कुछ ए बी सी डी ई पांच सेट्स दिए हुए हैं, अब इन पांच में से कौन किसके इक्वल होगा वो बताना है. तो एक काम कर ले, पहले इन सेट्स को सॉल्व करके रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि अपने को क्लियर हो कि मेंबर्स कितने हैं और कौन से हैं. तो आइए हम यहीं पे कर लेते हैं इसको. तो देखो ए के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जीरो. ठीक है, बी की हम बात करते हैं तो क्या है कि x such that x is greater than 15. ठीक है, x जो है 15 से ज़्यादा, 16, 17, 18 होना चाहिए, एंड x इज लेस देन 5. देखा फिर पागल बनाया ना. अब अगर लेस देन 5 जा रहे हो x, मतलब कि 4, 3, 2, 1, -1. ठीक है, और 15 से ज़्यादा कुछ कॉमन तो है ही नहीं. ठीक है, क्या लिखोगे इसके अंदर, तो ये हो जाएगा अपना नल सेट. ओके नाउ c क्या है, c जो है वो ही कह रहा है कि x such that x minus 5 equals to 0. तो देखो बेटा x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा, x 5 वहाँ चला जाएगा तो x इक्वल्स टू 5, मतलब एक ही सेट है इसके पास, x इक्वल्स टू 5. ओके नाउ d का क्या है, d अपन देखते हैं यहाँ पर, x सच दैट x स्क्वायर इक्वल्स टू 25. अब x स्क्वायर जो है वो 25 है, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का. ठीक है, तो इसके लिए इसमें मेंबर क्या आ गया, 5 एक ही. नाउ ई अपन देखते हैं, x such that x is an integral positive root of the equation x square minus 2x minus 15 equals to 0. Now x square minus 2x minus 15 को स्प्लिटिंग टर्म से सॉल्व करेंगे,
क्या होगा, 15 क्या होता है, 3 फाइव ज़ा 15, ठीक है, और 3 5 माइनस 3 2 मिल जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x सॉरी प्लस 3x माइनस 15 इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 5 प्लस 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो x प्लस 3 और x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो ये x हो जाएगा माइनस 3 और ये x हो जाएगा 5। अब इन लोगों ने हमें बोला, क्या बोला इन लोगों ने हमें बोला कि आपका पॉजिटिव रूट लेना है, मतलब कि क्या लेना है, 5, ठीक है। अच्छा, अरे बच्चा तुम्हें बता दे भी नहीं हो, देखो एक्स स्क्वायर इज 25, तो x इज रूट 25, रूट 25 का प्लस माइनस 5 आता है ना, इन्होंने थोड़ी बोला नेचुरल नंबर लेना है, तो इसका मतलब कि d के अंदर प्लस और माइनस 5 दोनों होंगे, ठीक है। चलो तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो बेटा अब जैसे a है तो a में 0 मेंबर है, बट 0 किसी में मेंबर नहीं है, मतलब a किसी के साथ भी इक्वल टू में नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब अगर यूँ देखें तो a सबके साथ नॉट इक्वल टू में जा रहा है, ठीक है, a इज़ नॉट इक्वल्स टू b, a इज नॉट इक्वल्स टू c, a नॉट इक्वल्स टू d एंड a नॉट इक्वल्स टू e, किसी के साथ इक्वल में नहीं जा रहा है। ये नल सेट है, कहीं पे भी ऐसा खाली है नहीं, सब में मेंबर्स तो हैं ही, तो ये भी गया, ठीक है। देखो c में एक मेंबर है 5 और e में भी एक मेंबर है 5, मेंबर 5 यहाँ पर भी है, बट इसका जो माइनस 5 है ना वो उनके अंदर नहीं है, तो इसका मतलब कि इन पांचों सेट्स में से c और e कैसे हो गए इक्वल सेट्स, ठीक है, कैसे हो गए इक्वल सेट्स, क्यों, क्योंकि दे हैव द सेम मेंबर, सेम, ठीक है। चलिए, इन्होंने इक्विवेलेंट नहीं पूछा है, इसके लिए अपन को कुछ बोलना भी नहीं है। आ जाओ अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8 ना, एग्जाम्पल नंबर 8 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, ठीक है, कौन सा फॉलोइंग पेयर जो है वो इक्वल होगा, ठीक है। अब अपने पास दो पेयर दिए हुए हैं, तो सॉल्व कर लेते हैं पहले हम लोग। तो यहाँ पर एक्स क्या है, द सेट ऑफ लेटर्स इन अलॉय, चलो तो एक्स के रोस्टर फॉर्म बना देते हैं, ए एल ओ वाई, और बी का क्या होगा लॉयल में, एल ओ वाई ए, ठीक है। देखो बच्चा, ए एक्स में भी है, बी में भी है, एल दोनों में है, ए दोनों में है, वाई दोनों में है, ओके, नंबर ऑफ द सेट्स एंड सॉरी नंबर ऑफ द एलिमेंट्स एंड द एलिमेंट्स दे बोथ आर इक्वल, ठीक है, चार चार एलिमेंट्स हैं और चारों की शक्ल सेम है, इसका मतलब लिखेंगे कि x जो है वो b के इक्वल सेट से, दैट मीन्स कि दे बोथ आर इक्वल, ओके, बिकॉज दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, ठीक है, अगर रीजन लिखना है तो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, a वेयर n, इन्होंने n मेंबर बोला हुआ है, और n किसको बिलोंग कर रहा है, z, z मतलब इंटीजर, ठीक है, इंटीजर मतलब क्या हो जाएगा, माइनस 0 एंड पॉजिटिव, और n होना क्या चाहिए, तो कह रहा है कि n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4, ओके। देखो अब अगर हम लोग n इंटीजर है ना, पहले 0 लिख लेते हैं, तो n स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0, n 1 ले लेते हैं तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, n 2 ले लेते हैं तो n का 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, इन्होंने कहा है कि लेस देन इक्वल्स टू 4, 4 के कम जाना है और 4 जाना है स्क्वायर करने के बाद, उसके आगे नहीं जाना, तो ये मैंने पॉजिटिव ले लिया, अभी नेगेटिव भी ले लेती हूँ मैं, तो n लेती हूँ माइनस 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर 1, और n ले लेती हूँ माइनस 2, तो माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 3 में जाऊंगी तो 9 आ जाएगा, ठीक है, इसका मतलब कि जो सेट ए है उसके मेंबर्स क्या हो गए, इसके मेंबर्स हो गए ये वाले, ठीक है, माइनस 2 माइनस 1 0 1 2, ओके, ठीक है। नाउ बी हम देखते हैं, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर रैशनल नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, मैं यहाँ पे कर देती हूँ, दिख तो जाएगा ही, ठीक है। अब इसको अपने को सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, स्प्लिट इन टर्म करके सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे, x माइनस 1 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, मतलब कि x का मेंबर 1 आ गया, मतलब b का एक 1 है और दूसरा 2 है। नाउ सी, अब इन्होंने इक्वल बोला है, कहाँ इक्वल है,
ठीक है, बी के 1 2 तो ए में है बट ए के नहीं है मेंबर्स। इक्वल मतलब क्या होना चाहिए कि दोनों सेट्स के मेंबर्स एक दूसरे के अंदर अवेलेबल होने चाहिए। तो ए के मेंबर्स जो है वो आपको -1 -2 -1 0 1 2 दिया हुआ है, बी के मेंबर से 1 और 2 है, इसका मतलब कि ए के मेंबर्स बी में अवेलेबल नहीं है, इसके लिए ये दोनों सेट्स क्या हो गए, नॉट इक्वल। ठीक है, नॉट इक्वल हो गए, क्लियर। आसान था, कहा था मैंने आसान था, मेरी बात ही नहीं मानते हो। चलो तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल्स जो है वो फिनिश कर लिए, नोट इट डाउन, ठीक है, बाद में बात करते हैं अपन। सो बच्चा पार्टी, क्लियर हो गए सारे सम्स, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, ठीक, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है क्लियर होना, बाकी तो सब आ जाएगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो नाउ अभी हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। टिल देन आप इसको अच्छे नोट डाउन कर लीजिए, एक बार पूरा रिकॉल कर लीजिए पूरे सेशन को, प्रीवियस सेशंस को एक बार रिकॉल कर लीजिए, ठीक है, ताकि सारे के सारे जो एटॉमिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, जो अपन ने किए हुए हैं, मतलब थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट जो किए हुए आपको याद होते जाए, मेमोराइज होते जाए। तो इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 1.2। टिल देन टेक केयर, डू हार्ड वर्क, डू स्टडी, बाय बाय।